नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यंग फार्मर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको चने की खेती की पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कहीं और किसी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको पूरा मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कितना बीज दर हमको लेना है, कितनी हमको खाद उर्वरकों का प्रयोग करना है, और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम भारत में चने की खेती की मुख्य रूप से बात करें तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा बिहार में अधिकतर इसकी खेती की जाती है। देश के कुल चने का क्षेत्रफल हम देखें तो लगभग 90% भाग तथा कुल उत्पादन का लगभग 92% इन्हीं प्रदेशों से प्राप्त होता है। अगर हम भारत में सबसे अधिक चने का क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाला राज्य देखें तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मैदानी जिलों में चने की खेती असिंचित अवस्था में की जाती है। अब इसकी हम जलवायु की बात कर ले तो किसान भाइयों, चना एक ठंडे एवं शुष्क जलवायु की फसल है जिसे रबी मौसम में उगाया जाता है। चने की खेती के लिए मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। सर्दी वाले क्षेत्र इसलिए इसके लिए काफ़ी उपयुक्त माने जाते हैं, और फसल में फूल आने की अवस्था में अगर बारिश हो जाती है तो फूल सिमट जाते हैं और उत्पादन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए फूल के समय बारिश होना काफ़ी हानिकारक है चने की खेती के लिए। अब हम जानते हैं कि ज़मीन हमको किस तरह तैयार करनी है। तो चने की खेती हल्की से भूरी भूमियों में की जाती है, किंतु अधिक जल धारण एवं उचित जल निकास वाली भूमियाँ इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। असिंचित अवस्था में मानसून शुरू होने से पहले गहरी जुताई करने से रबी के लिए भी नमी संरक्षण हो जाता है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल तथा दो जुताई देसी हल से की जाती है। फिर पाटा निकालकर खेत समतल कर दिया जाता है, और दीमक प्रभावित खेतों में क्लोरोपाइरीफॉस मिलाना चाहिए, इससे कटुआ कीट भी नियंत्रण होता है, और फिर हमें बुआई कर देना है इसकी चने की। अगर हम चने की किस्म की बात कर ले तो इंदिरा चना, वैभव, ग्वालियर, उज्जैन 24 और JG 315, विजय और काबुली चना में हम बात करें तो L550 और C104 ये काफ़ी अच्छी किस्म है। L550 ये 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और उपज की हम बात करें तो 10 से 13 क्विंटल इसकी एक हेक्टेयर की उपज है। और C104 की हम बात करें तो 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और उत्पादन भी इसका भी सेम है, 10 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। अब हम जानते हैं कि चने की बुआई का समय क्या है। असिंचित क्षेत्रों में इसे सितंबर के आखिरी सप्ताह एवं अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के अंदर कर देना चाहिए, और सिंचित क्षेत्रों में दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक हमें इसकी बोनी अवश्य रूप से कर देना चाहिए। और बीज दर की हम बात करें तो समय पर बुआई के लिए 75 से 80 किलोग्राम एक हेक्टेयर में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, और देसी चना की हम बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम एक हेक्टेयर में आप ले सकते हैं। काबुली चना में आप 100 से 120 किलोग्राम एक हेक्टेयर में ले सकते हैं। और बीज उपचार की हम बात करें तो बीजों को थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज, इसके अलावा उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना आवश्यक है। किसान भाइयों, सिंचाई की बात करें तो हम इसकी पहली सिंचाई हमको 45 दिन में करना है, यानी कि फूल आने से पहले हमको इसकी पहली सिंचाई करना है, और दूसरी सिंचाई हमको करना है जब इसमें दाना भराने लग जाए हमारे चनों में, यानी 75 दिन के बाद करना है। खाद उर्वरकों की बात करें तो जब हम खेत तैयार करते हैं तो उसमें 4 से 5 टन गोबर की खाद एक हेक्टेयर में तथा 40 किलोग्राम यूरिया और 4 से 5 किलोग्राम सुपर और 10 से 12 किलोग्राम पोटास हमें दे देना है। फिर हमें बाद में किसी भी खाद वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है,
और कीट नियंत्रण की बात करें तो कटुआ और फली छेदक का काफी प्रकोप रहता है चनों में। कटुआ रोग के प्रबंधन के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपायरीफॉस हमें भूमि में मिलाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की हम बात करें तो आप निराई गुड़ाई की सहायता से भी इसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर कोई दवा वगैरह आपके उधर अच्छी मिलती हो इसके लिए, तो आप उसका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। अगर आप निराई गुड़ाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा दवाई का प्रयोग से। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही नई नई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।